हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टेक्निकल वीट चैनल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छा जानकारी यहाँ देने वाला हूँ आप लोगों को, जो जानकारी आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था। जैसे कि अगर किसी भी बैंक अकाउंट में आपका पहले से बैंक अकाउंट ओपनिंग किया हुआ है और उस बैंक अकाउंट में आपने मेंटेनेंस नहीं किया है या तो फिर जीरो हो चुका है, तो आपका वो अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज होगा या नहीं होगा। अगर आप क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम आपको वो जानकारी यहाँ देने वाले हैं। उससे पहले, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर लाइक जरूर। दोस्तों, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, चाहे कोई भी बैंक अकाउंट हो, उस बैंक अकाउंट में अगर आपका थोड़ा बहुत कुछ भी पैसा है, 100-200 रुपया, तो आपका वो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक कभी भी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस है, पैसा है आपका। अगर आपके उसी बैंक अकाउंट में, चाहे कोई भी बैंक का अकाउंट हो, उसमें आपका कोई भी बैलेंस नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, और 3-4 साल तक आपने पैसा मेंटेनेंस नहीं किया, लेन देन नहीं किया, ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो ऑटोमेटिक वो बैंक अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। और हाँ, दूसरा बैंक का अलग अलग बैंक का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन रहता है। जैसे कि सेंट्रल बैंक अकाउंट में अगर आपका ऑटोमेटिक अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो उस बैंक में कभी भी आप दूसरे बार अकाउंट ओपनिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एक्सिस बैंक का अकाउंट है, नॉन मेंटेनेंस के कारण या फिर किसी कारण आपका बैंक अकाउंट 3-4 साल बाद क्लोज हो जाता है, तो आप उसी बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आपका नया करके कस्टमर आईडी नहीं आएगा, वही पुराना कस्टमर आईडी आएगा, लेकिन अकाउंट नंबर दूसरा आएगा। क्योंकि जिस बैंक अकाउंट में एक बार आप बैंक अकाउंट ओपनिंग कर लेते हैं, वो कस्टमर आईडी दोबारा नहीं बनता है, एक ही बनता है एक ही बैंक में। अगर आप इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपनिंग करते हैं, 3 साल बाद ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो दूसरे बार जैसे ही आप अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जाएंगे, तो आपका वही पुराना कस्टमर आईडी आएगा, लेकिन अकाउंट नंबर आपका दूसरा आएगा, उसमें कोई परेशानी और प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, मान लेते हैं आप अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, तो आपको अपने खुद से जाना पड़ेगा बैंक में, ब्रांच में जाने के बाद आपको अपना लिखित में देना पड़ेगा कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, बैंक अकाउंट को क्लोज करना है। सील सिग्नेचर करके बैंक डिटेल्स फिलअप करने के बाद वो फॉर्म को आपको जमा करना होगा और आपका बैंक अकाउंट को 2-3 दिन के अंदर क्लोज कर दी जाएगी। एंड दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है और उस बैंक अकाउंट में आपका अचानक से कोई पेमेंट आ गया है, 5,000-10,000 किसी बाहर से गलती से आपने पेमेंट डाल दी है, तो पेमेंट आपका एक्सेप्ट होगा या नहीं? तो देखिए, उस समय में आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, पेमेंट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपका पेमेंट ऑटोमेटिक रिफंड होके जहाँ से आया था वहाँ पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर वो पेमेंट गवर्नमेंट स्कीम से आया है, तो वो पेमेंट ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आता रहेगा और रिजेक्ट होता रहेगा जब तक आपका अकाउंट अपडेट ना हो, यानी कि अकाउंट को आप दोबारा से स्टार्ट ना करें। दोस्तों, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट एक CSP से है, यानी कि CSP मिनी ब्रांच से आपका बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट आपका क्लोज करना चाहते हैं या फिर चालू करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले CSP में जाना पड़ेगा और CSP में एक लिखित लेना पड़ेगा CSP वाले से। उसके बाद आपका ब्रांच फिर से दोबारा से ब्रांच ही जाना पड़ेगा और ब्रांच में ही आप जाके अपना बैंक अकाउंट को चालू कर सकते हैं, अदरवाइज क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस इतना ही था। जानकारी अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें। बैंक CSP से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करें एंड हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें।